बढ़ते आगे, भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने पार्टी छोड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। निकाय चुनाव में प्रचार अभियान को धार दे रही संघमित्रा मौर्य ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो भाजपा के साथ है और पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। संघमित्रा मौर्य का दावा है कि चुनाव में भाजपा बदायूं के सभी निकायों में जीत दर्ज करेंगी। बदायूं में 11 मई को दूसरे चरण में मतदान। गले में कमल निशान वाला पटका, हाथ में भाजपा के प्रचार के पर्चे और गली गली डोर टू डोर शहर की सत्ता के लिए भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की वोट वाली रेस। इन तस्वीरों ने संघमित्रा मौर्य के अपने पिता के नक्शे कदम पर भाजपा छोड़ने के प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सांसद संघमित्रा का दावा है कि पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं। हमारी तरफ से कभी किसी भी प्रकार का ऐसा ना बयान आया, ना हमारी तरफ से कभी ऐसा कुछ कहा गया कि मैं पार्टी के विरोधी कर रही हूँ। मैं हमेशा पार्टी के साथ रही हूँ और आगे भी पार्टी के साथ रहूँगी। अगर कोई इस पर चर्चा करता है कि मैं पार्टी के अगेंस्ट हूँ, तो किसी की सोच को मैं नहीं बदल सकती हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है सोचने के लिए, समय उसको जवाब देगा। आज खुद बहुत से लोगों को मुंह पर खुद ही उनका थप्पड़ पड़ रहा है, तो आने वाले समय में भी ऐसे ही उन्हें जवाब मिलता रहेगा। दरअसल संघमित्रा मौर्य अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही पार्टी में आई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा का दामन थाम लिया था। तभी से ये कहा जा रहा था कि संघमित्रा मौर्य भी भाजपा छोड़ सकती है, जिस पर अब ब्रेक लग गया है। संघमित्रा मौर्य नगर निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने के लिए प्रचार में सक्रिय थी। अभी चुनाव में समय भी है लगभग 10 दिन, और चुनाव हमेशा पीक टाइम पर ही चढ़ता है, तो निश्चित तौर पर अभी जहां पर हम बराबर में दिख रहे हैं या अप डाउन दिख रहा है, आने वाले 4-5 दिनों बाद हम सिर्फ अब दिखाई देंगे। बदायूं जिले में 7 नगरपालिका हैं, बदायूं, ककराला, बिसौली, बिलसी, सहसवान, उझानी और तातागंज, जबकि 8 नगर पंचायतें हैं, कछला, उसहैर, मुडिया, सखानू, इस्लामनगर, कुंवरगांव, उसावा, वजीरगंज, गुलदिया, सैदपुर, अलापुर, बैजगंज, दहगांव। बदायूं में 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। संघमित्रा मौर्य का दावा है कि निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के ही पक्ष में रहेंगे। हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, तो हमें तो लगता है कि हम 21 जीतने के लिए प्रयास करेंगे, बाकी जनता निर्णायक है। मतलब साफ है कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तक सपा का गढ़ माने जाने वाले बदायूं में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य समाजवादी सियासत को चुनौती देती नजर आ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।